अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर पर मध्यस्थता की पेशकश के दावे को भारत ने खारिज किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर पर मध्यस्थता के लिए कभी नहीं कहा। डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर जवाब मांगा। डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर पर मध्यस्थता वाले बयान की कई अमेरिकी सांसदों ने आलोचना की, कहा यह द्विपक्षीय मामला है। कर्नाटक में कुमारस्वामी सरकार की किस्मत का फैसला आज। विश्वास मत पर शाम 6 बजे से पहले वोटिंग। 13 बागी विधायकों ने चिट्ठी लिखकर स्पीकर से मिलने के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा। भारी हंगामे के बीच लोकसभा से आरटीआई संशोधन विधेयक पास। विरोध में आरटीआई कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। सोनिया गांधी ने कहा, आरटीआई को कमजोर करना चाहती है सरकार। सुप्रीम कोर्ट से आम्रपाली ग्रुप के खरीदारों को बड़ी राहत। अब ग्रुप के सभी अधूरे प्रोजेक्ट एनबीसीसी पूरा करेगी। साथ ही कोर्ट ने आम्रपाली का रेरा रजिस्ट्रेशन रद्द किया। बिहार और असम में बाढ़ से हालात अभी भी खराब। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 200 के करीब पहुंची। काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ के कारण 16 गेंडों समेत 187 जानवरों की मौत। और ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री पर फैसला आज। बोरिस जॉनसन का जीतना लगभग तय। बोरिस जॉनसन के प्रधानमंत्री बनने से पहले सरकार के एक मंत्री का विरोध में इस्तीफा।